नमस्कार और आप देख रहे हैं पर्पल। भाजपा ने रतिया में निकाली बाइक रैली। भाजपा नेत्री सुनीता दुग्गल ने बाइक रैली की अगुवाई की और कहा सैन्य अधिकारी अभिनंदन के स्वागत और युवाओं में जोश भरने के उद्देश्य को लेकर के यह रैली निकाली गई है। देश के मौजूदा हालात पर राजनीति करने वालों को बताया ओछी मानसिकता का। उन्होंने कहा कि देश में मोदी की लहर है और फिर से कमल खिलेगा। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। भाजपा की ओर से रतिया क्षेत्र में आज बाइक रैली का आयोजन किया गया। बाइक रैली की अगुवाई अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम की चेयरपर्सन सुनीता दुग्गल ने की। सुनीता दुग्गल ने कहा कि देश में के सैन्य अधिकारी अभिनंदन की देश वापसी और उनके स्वागत के लिए तथा युवा में जोश बरकरार रखने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मोदी जी की लहर है और आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कमल खिलेगा और बहुमत की सरकार आएगी। वहीं मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा देश हित में जो भी फैसले लिए गए हैं और कूटनीतिक स्तर पर जिस प्रकार से प्रदर्शन किया गया है, उनका नतीजा यह है कि हमारा एक सैन्य अधिकारी दुश्मन देश के मात्र कुछ ही घंटों में सकुशल वापस लौटाया। आज से पहले इस तरह का पूर्ववर्ती सरकार में ऐसा संभव नहीं हो पाया। उन्होंने मौजूदा हालात पर राजनीति करने वाले विपक्षियों को नसीहत देते हुए कहा कि जहां देश और देश हित की बात आए वहां पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखो इसमें अब तो बहुत बड़ा उद्देश्य हमारा ये बन गया है कि हमारे जो अभिनंदन जो है वो अपने देश को देश में उन्होंने वापसी करी है और सभी में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं सभी में बड़ा ज़बरदस्त उत्साह है, युवाओं में उत्साह है। तो युवाओं के उत्साह को बरकरार रखने के लिए और युवाओं में बहुत ज़्यादा जोश भरने के लिए ये बाइक रैली जो है वो निकाली है। ये 2019 चुनावों को लेकर है या यही उद्देश्य है इसका? 2019 के चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरना यही उद्देश्य है। मैडम, जिस तरह पूरे देश में 2019 का संकट बच गया, तैयारियाँ कैसी है खास करके आपके सिरसा लोकसभा क्षेत्र में? देखिए मैं किसी पर्टिकुलर एक जगह की बात नहीं करना चाहूँगी, पूरे भारतवर्ष के अंदर ही ज़बरदस्त जो है वो मोदी लहर है और कमल का फूल जो है फिर से खिलने वाला है हमारे केंद्र में भी और हमारे हरियाणा प्रदेश में भी। इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है, लोगों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है और उसी को देख के आप देख रहे हो कि आप अगर देखो कैसे ज़बरदस्त पूरा पीछे तक जो है पूरी बाइक रैली के लिए लोग यहाँ पर तैयार बैठे। अच्छा, सांसद दुष्यंत भाजपा राजनीति कर रही है जबकि क्रेडिट इसका सेनानियों को देना चाहिए। नहीं, हमने कब सेना को क्रेडिट इसका नहीं दिया, लेकिन जिस तरह का डिसीजन जो है एक राजनीतिक पार्टी को लेना चाहिए और जिस तरह का डिसीजन सरकार को लेना चाहिए वो डिसीजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। आज से पहले कभी किसी ने इस तरह का डिसीजन नहीं लिया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई हमारा जो है सैनिक वो वहाँ पे जाने के तुरंत बाद एक दो दिन के 24-48 घंटे के अंदर अंदर वो वापस आ गया। तो ये हमारे सरकार के जो डिसीजंस हैं वो काबिले तारीफ है और इस चीज़ की उनको भी तारीफ करनी चाहिए और ऐसे माहौल में ऐसी ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब देश के अंदर इस तरह का माहौल है तो ऐसे उसमें तो सभी जितने भी हमारे जो हमारी पार्टियाँ हैं विपक्षी पार्टियाँ हैं उन सबको एक साथ मिलकर जो है वो देश के साथ खड़ा होना चाहिए। आज की जो ये साइकिल यात्रा है किन किन गांवों में गुजरे, कितने गांव का टारगेट आपका? ये पूरे रतिया विधानसभा जो है उसका टारगेट है और नागपुर, दरियापुर, भिडाना मंडल, हमारा ग्रामीण मंडल और रतिया शहरी और ये सब जितने भी गांव हैं सबको कवर करते हुए हम लोग जो है हमजापुर इसमें हमजापुर में अयालकी के बाद अहरवा में उसको हम कम्प्लीट करेंगे। थैंक यू।